हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का जो प्रैक्टिस सेट 2.6 है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए 7th एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। KMPH मतलब किलोमीटर पर आवर। एक आवर में कितना किलोमीटर जा सकती है बोट? 12 किलोमीटर जा सकती है। कब? स्टील वाटर में, मतलब जो नदी है, शायद वो नदी में जा रहा होगा। नदी का पानी कैसा है? स्टील है, बह नहीं रहा है, स्टील है। तो वैसे वाटर में स्पीड होगा 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट मतलब क्या? अभी नदी जो है वो क्या है, बह रही है, तो नदी के बहने का स्पीड हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम बोलेंगे वाटर करंट, ठीक है। जो चीज बहती है, वाटर बह रहा है तो वाटर करंट, ठीक है, उसका स्पीड हमें निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा साइंस फर्स्ट यानी फिजिक्स का नॉलेज आपको यूज करना होगा। कैसे? देखो स्टेप बाय स्टेप हमें निकालने को क्या बोला है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वही एक्स मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज एक्स, और स्पीड का यूनिट है इस एग्जांपल के लिए कितना है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एग्जांपल क्या बोलता है, प्रतीक को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। किसके लिए? टू ट्रैवल 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। कैसे? डाउनस्ट्रीम, ठीक है, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। इसका मतलब क्या है, मान लो ये नदी है, ठीक है, इस नदी में पानी है और यहां पे प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक की बोट है। और मान लो अभी डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब जो बोट है उसकी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन और जो नदी है उसके बहने की डायरेक्शन, और दोनों क्या हो, सेम हो। मान लो बोट इधर जा रही है और वाटर भी, नदी भी इधर बह रही है, तो समझ जाना कि बोट का जो ये मोशन है वो कैसा है, डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। लेकिन जब पानी इधर बह रहा हो और बोट इधर आएगी, तब बोट का वो मोशन कौन सा हो जाएगा, वो मोशन हो जाएगा अपस्ट्रीम। तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, जो प्रतीक की बोट है वो बोट पहले तो डाउनस्ट्रीम जाएगी। चलो यहाँ पे एक स्पॉट है, इसका डिस्टेंस कितना मान लो, कितना दिया है, 36 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रतीक यहां से ऐसा गया, नदी भी कैसी बह रही है, ऐसी, प्रतीक भी कैसा जा रहा है, उधर ही। तो प्रतीक का ये जो मोशन है वो कौन सा है, डाउनस्ट्रीम। लेकिन बाद में बोला है रिटर्न टू द सेम स्पॉट, बाद में वो सेम स्पॉट पे आएगा, यहां पे जाएगा, वापस रिटर्न होगा। इस बार जब प्रतीक रिटर्न होगा तो प्रतीक के मोशन की डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन नदी का बहाव जो है उस साइड है। तो प्रतीक का उस टाइम का जो मोशन होगा, उस टाइम का मोशन को बोलेंगे हम अपस्ट्रीम, ठीक है। तो प्रतीक की बोट इस एग्जांपल में दोनों मोशन परफॉर्म करेगी, डाउनस्ट्रीम भी परफॉर्म करने वाली है, अपस्ट्रीम भी परफॉर्म करने वाली है। तो यहां से शुरू होके यहां जाके वापस यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगता है, 8 घंटा लगता है। हमें निकालना है ये जो वाटर, ये जो पानी बह रहा है, वो पानी के बहने की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। और देखे रखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसका जरूरत क्यों है, देखो कभी अगर पानी शांत रहता है, तुम उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, वो ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कुछ स्पीड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, अभी शांत पानी, अगर नदी का पानी बहुत ही शांत है, उस पे हमने अगर बोट रख दी और बोट का स्पीड 0 है, तो बोट नहीं हिलेगी। हमें इस बोट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए इस बोट को कुछ एक्स्ट्रा स्पीड हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाहर से, एक्सटर्नल। तो बोट जो है वो स्टील वाटर पे भी चल सकती है। जब वाटर नदी का स्टील रहेगा, मतलब शांत रहेगा, तब बोट जो है प्रतीक की, वो कितनी स्पीड से बहने लग जाएगी, कितनी स्पीड से ट्रैवल करने लग जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। लेकिन मान लो अभी नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक है,
और इस दिशा में बहने वाली नदी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो वो ऑब्जेक्ट भी अपने आप नदी के साथ बहने लग जाएगा। ऑब्जेक्ट का स्पीड तो जीरो है, लेकिन नदी के बहाव के कारण इस ऑब्जेक्ट को, मान लो ये नदी है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो स्थिर है, लेकिन नदी के बहाव के कारण ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, आगे आगे जाते जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन पानी के करंट के कारण उस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल जाती है। तो क्या होता है जब डाउनस्ट्रीम होगा, मतलब बोट भी इधर जा रही है, पानी भी इधर जा रहा है, तो क्या होता है बोट की वेलोसिटी में पानी की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ठीक है, बोट ज्यादा तेजी से जाने लग जाती है। होता है जब हम बहाव की दिशा में स्विमिंग करते हैं तो पानी हमें अपने आप ढकेलता रहता है, ठीक है, तो हम आराम से आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस दिशा में तैरना है और पानी का बहाव इस साइड में है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी स्पीड को ये नदी का स्पीड जो है कैंसिल करने का ट्राई करता है। तो समझ लो डाउनस्ट्रीम में इस बोट का स्पीड बढ़ेगा और जब ये उल्टा आएगा तब बोट का स्पीड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और वो स्पीड कम करने का काम कौन करेगा, ये वाटर करंट जो रहेगा वो वाटर करंट कम कर देगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। तो मान लेते हैं कि वाटर करंट का स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर, और देखे क्या रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर देखे रखा है कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाइल डाउनस्ट्रीम, जब डाउनस्ट्रीम जाएगा प्रतीक तो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, क्या होगा, देखो उसकी बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में वाटर का करंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, वो ऐसा जा रहा है, नदी भी ऐसी, और नदी भी उसको धक्का दे रही है, कितना है नदी का स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर, तो ऐड हो जाएगा। और वाइल अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, ऊपर भी लिखना होगा, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू बोट के स्पीड में से वाटर का करंट क्या हो जाएगा, अपोज करने लग जाएगा, माइनस होने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपस्ट्रीम का स्पीड। अभी हमने क्या बोला है, प्रतीक को जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स, तो हम कैसे बोलेंगे, टोटल टाइम कैसे निकलेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम मोशन, ठीक है। और टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो टोटल टाइम देके रखा है कितना है, 8 आवर्स, इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम का टाइम। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो चलो डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम का, 36 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 12 + 6 प्लस अपस्ट्रीम आएगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, सेम स्पॉट पे आना है, वापस 36 किलोमीटर उल्टा आएगा, उल्टे आते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12 - 1, बस इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो करते हैं, 8 है, यहां से 36 कॉमन निकाल लो, 1/12 + x प्लस 1/12 - x, 36 8 में कैंसिलेशन होगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा और इधर 4 9 जा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 - x, ठीक है, प्लस 12 + x अपॉन 12 + x इंटू 12 - x, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 = 9 इंटू 12 + 12 = 24 अपॉन। अभी नीचे देखो a + b a - b वाला सिनेरियो है, तो क्या हो जाएगा, a² - b² इसका मतलब 12² - x², ठीक है। वापस एक 2 और 24 में होगा कुछ ना कुछ कैंसिलेशन, इधर का 2 हट जाएगा, 1 रहेगा सिर्फ, 1 = 9 इंटू ये 12 हो जाएगा फिर अपॉन ये 12² = 144 माइनस x², ठीक है, 2 × 2 = 24, 12 रह जाएगा, ये इधर का इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू 12 9 का कितना होता है 108। अभी इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देता हूं मैं और इस 108 को इधर लेके आता हूं, तो 108 माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करो 36 आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 6। प्लस माइनस 6 आता है लेकिन माइनस हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होता है वो स्पीड निगेटिव नहीं होता है कभी भी, कम से कम स्पीड कितना होगा 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम स्पीड कितना मान लेंगे प्लस 6। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू माइनस 6 नॉट पॉसिबल एज स्पीड इज नेवर निगेटिव, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं रहती। तो हम x की कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो वाटर करंट का स्पीड कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं 8th एग्जांपल, तो 8th एग्जांपल करते हैं। दिया क्या है देखो, पिंटू टेक 6 डेज मोर देन निशू टू कंप्लीट सर्टन वर्क। इसका मतलब क्या है, पिंटू आलसी है, क्या है उसको एक कोई काम जो है निशू जो है जितने दिन में कर देता है पिंटू उससे 6 दिन ज्यादा लेता है। मान लो निशू को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो लेकिन पिंटू उसी काम करने के लिए पिंटू कितने दिन लगाएगा, उससे 6 दिन ज्यादा। इसको 5 दिन लग रहे हैं तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 11 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो किसी एक सर्टन काम को करने के लिए पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं, किससे, निशू से, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ कोई काम करने बैठे, दे विल फिनिश इट इन 4 डेज, तो एक किसी काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन मान लो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर वो साथ में काम नहीं कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा। निशू अलग से उसका उसका काम लेके बैठेगा तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, और पिंटू उसका अलग काम लेके बैठेगा वैसा ही काम तो उसको कितना दिन लगेगा सेम वर्क करने के लिए, ठीक है, तो हमको वो देगा। तो देखो इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। देखो कोई काम है, किसी काम करने में मेरे को 2 दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं 2 दिन, इसका मतलब क्या है, एक दिन में कितना काम कर रहा हूं मैं, एक दिन में मेरा आधा काम हो जाएगा और दूसरे दिन में आधा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर समझ लो कोई काम करने में मेरे को 3 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/3 काम हो जाएगा, आज 1/3 हो जाएगा, कल 1/3 हो जाएगा, परसों 1/3 हो जाएगा, ऐसे 3 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मान लो मुझे एक काम कंप्लीट करने में 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में मेरा 1/4 काम कंप्लीट हो जाएगा, अगले दिन में 1/4 हो जाएगा, अगले दिन में 1/4 हो जाएगा, अगले दिन में 1/4 हो जाएगा, ऐसे कर करके पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक काम करने के लिए मुझे x दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x इतना काम होगा, वही मुझे बताना था। 2 दिन में अगर एक काम होता है तो एक दिन में आधा, मतलब 1/2, ठीक है। तो उस तरह से मान लेते हैं कि निशू को एक काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, x दिन, तो उसी तरह पिंटू को कितने काम कितना दिन लग जाएगा, इसको x दिन लग रहे हैं, इसको 6 दिन ज्यादा लग रहे, तो x प्लस 6 डेज लगेंगे। तो चलो मान लेते हैं लेट निशु कंप्लीट्स वर्क इन x डेज, ठीक है, देयरफॉर पिंटू कंप्लीट्स सेम वर्क, उसी तरह का वर्क, सेम वर्क इन कितने दिन ज्यादा लग रहे, 6 दिन, x प्लस 6 डेज, ठीक है। चलो निशू को एक काम करने में x डेज लग रहे हैं, तो निशू को एक दिन में कितना काम कर लेगा, निशू उसको एक काम करने के लिए x डेज, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/x कितना, तो इन 1 डे निशू कितना काम कंप्लीट कर लेता है, निशू कंप्लीट 1/x वर्क, ठीक है। उसी तरह से इन 1 डे पिंटू कंप्लीट्स
कितना 1/8+6 वर्क, करेक्ट है। चलो अभी आगे बोला है इफ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट इट इन 4 डेज, अगर दोनों एक दूसरे एक साथ काम करेंगे, ठीक है। इफ पिंटू एंड निशू वर्क टुगेदर, ठीक है, तो देखो क्या होगा, देन फॉर वन डे क्या हो जाएगा, वन डे, एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है निशु का 1/x, उसके साथ ही में कौन काम कर रहा है पिंटू काम कर रहा है, पिंटू एक दिन में कितना काम कर लेता है 1/x+6 जितना, तो एक दिन में निशु का काम प्लस एक दिन का ये पिंटू का काम, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू पूरा काम करने में, अभी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा उस काम को खत्म करने के लिए, इतना, ये पिंटू और निशु का एक दिन का काम हो गया, एक दिन 4 दिन लग रहे हैं एक काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम हो गया उनका, फिर 1/4 हो गया, ठीक है, इसको समझ में आना चाहिए। देखो निशु को एक दिन लग रहा है एक काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/x इतना काम करेगा, उसी तरह से पिंटू को एक काम करने के लिए 1/6 दिन लग रहे हैं उसी काम करने के लिए, एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा 1/6। बाद में बोला है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये निशु का एक दिन का काम प्लस ये पिंटू का एक दिन का काम, दोनों का साथ का काम मतलब एडिशन, ठीक है, ये एक दिन का काम है, दोनों एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 1/4 जितना काम हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो फिर आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1+6+x/1 ये हो जाएगा 1/6 = 1/4, ठीक है। अभी इस 4 को इधर लेके आता हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको उधर लेके आता हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो वापस एक बार एक स्टेप लेके, ये x + x 2x हो जाएगा 2x+6/x × x+6 = 1/4। चलो क्या जाएगा, इस 4 इधर मल्टीप्लाई को आ जाएगा 2x+6, और ये भी इधर पूरा उधर मल्टीप्लाई को चला जाएगा x × x+6, ठीक है। तो देखो 8x + 24 = x × x 2x + x × 6 6x, ठीक है, इनको उधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा x² + 6x, ये 8x उधर माइनस हो जाएगा, ये 24 उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 8x - 24 = 0, देयरफॉर x² + 6 - 8 - 2x - 24। चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, देखो सम चाहिए -2, प्रोडक्ट चाहिए -24, अगर प्रोडक्ट माइनस है तो दोनों में से एक नंबर निगेटिव है, तो चलो एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर निगेटिव है, लेकिन सम निगेटिव है, अगर सम निगेटिव है तो समझ जाओ बड़ा वाला नंबर निगेटिव है, तो दो नंबर ऐसा देखो कि उनका जो सम है वो -2 आए और प्रोडक्ट आए 24, तो ऐसे दो नंबर है 6 और 4, ठीक है, दोनों में से एक माइनस है, देखिए ठीक है, सम माइनस है तो मतलब क्या, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, देखो इनको ऐड कर दो, -6 + 4 कितना आएगा -2, और -6 × + 4 कितना आएगा -24, तो चलो इसको लिखते हैं फिर x² - 6x + 4x - 24 = 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा x कॉमन x - 6 + इधर 4 कॉमन x - 6 = 0, एक ब्रैकेट में x - 6, एक ब्रैकेट में x + 4 = 0। अब इनका कैसा होगा, क्या हो जाएगा x - 6 = 0 और x + 4 = 0, तो ये आ जाएगा x = 6 और x = -4, लेकिन ये माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि काम है, दिन जो है दिन कभी भी निगेटिव में नहीं होते हैं, तो x = -4 नॉट पॉसिबल, ठीक है, एज डेज आर नॉट निगेटिव, देयरफॉर x = 6 आ गया, मतलब क्या, निशु को काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, अकेला 6 दिन लगेगा, तो
मिशु टेक्स कितना दिन? 6 days. और पिंटू को कितना टाइम लगेगा? पिंटू का आंसर कितना है? पिंटू कंप्लीट्स वर्क इन x प्लस 6 days. मतलब x की वैल्यू 6 + 6 कितना? 12 days. तो पिंटू को कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा. तो आंसर क्या लिखेंगे? निशु टेक्स 6 days एंड पिंटू टेक्स 12 days. तो ठीक है, इस तरह से इसको करना था. ये हो गया 8th. अभी चलो 9th वाला करते हैं. देखो क्या है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब बागा का, ठीक है. क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइडर. डिवाइडर मतलब जिस नंबर से हम डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइडर एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बाकी, बाकी कितना है? 1. फाइंड क्वेश्चन एंड डिवाइडर, ठीक है. तो इसके लिए सिंपल नॉलेज हमें होना चाहिए. एक रिलेशन है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, क्वोशेंट इनटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर. ये वाला फॉर्म हमें समझ में आना चाहिए. डिविडेंड मतलब क्या? जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. इज इक्वल टू, क्वेश्चन मतलब भागाकार. डिवाइडर मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं. प्लस रिमाइंडर मतलब बाकी. अभी इधर देखो क्या है, डिविडेंड उन्होंने देके रखा है कितना है, 460. 460 को डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिविडेंड हमारा हो गया 460. क्वेश्चन और रिमाइंड डिविजन हमें निकालना है. रिमाइंडर उन्होंने देके रखा है कितना है, 1. और क्वेश्चन और डिवाइडर में कुछ ना कुछ रिलेशन उन्होंने दिया है, वो यूज करके आंसर आ जाएगा. तो देखो लेट पहले हम मान लेते हैं क्या है, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइडर, ठीक है. मतलब क्वेश्चन जो है वो डिवाइडर पे डिपेंड है, तो पहले डिवाइडर मान लेंगे. तो डिवाइडर है, लेट डिवाइडर बी एक्स, ठीक है. देयरफॉर क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 6 मोर देन, 6 मोर देन मतलब 6 प्लस करो, ठीक है. किस में? 5 टाइम्स द डिवाइडर, 5 टाइम्स द डिवाइडर. डिवाइडर क्या है? x है. ये हो गया क्वेश्चन. तो ये ऊपर वाला रिलेशन यूज करो. देयरफॉर 460 इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट बोल देंगे, तो देयरफॉर नीचे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट 460 इज इक्वल टू. क्वेश्चन कितना है? ये है 5x प्लस 6. डिवाइडर कितना है? x. और रिमाइंडर कितना है? 1. इसको सॉल्व करो, डिवाइडर मिल जाएगा, x मिला मतलब, और 5x प्लस 6 मिला मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा. चलो सॉल्व करते हैं. देयरफॉर 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x, 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू x, 6x प्लस 1. देखो ये प्लस 1 ही इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से कट हो जाएगा, तो 459 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x. इसको इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 5x स्क्वायर प्लस 6x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 459 इज इक्वल टू 0. अभी देखो ये है, इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस 5 से इस 459 को मल्टीप्लाई करना होगा, और वो हमारा प्रोडक्ट चाहिए होगा. तो पहले हम क्या करते हैं, इधर करता हूं मैं 459 इंटू 5, 2295 आ गया. तो हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, और ये माइनस है तो ये माइनस है, तो ये माइनस, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 2295, ठीक है. और सम चाहिए हमें, सम चाहिए प्लस 6. तो कैसे लाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ठीक से देखो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके आगे 5 आएगा, लास्ट में कितना आने वाला है, 5. और दोनों के बीच में देखो, अगर प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो समझ जाओ दोनों में क्या होगा, एक नंबर निगेटिव होगा, ठीक है. सम प्लस है, सम प्लस है, इसका मतलब समझ जाओ कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर निगेटिव होगा. लेकिन ऐसा ढूंढेंगे कैसे, ऐसा कौन सा है निगेटिव पॉजिटिव नंबर कि जो मल्टीप्लाई के बाद में लास्ट में 5 देगा और सम उसका कितना आएगा, 5 आएगा. तो सिंपल बताता हूं, देखो अगर दो नंबर लिए मैंने, 11 लिया और -5 लिया, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का. इन दोनों को प्लस कर दो, 11 प्लस माइनस 5 तो माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा. और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा. लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आएगा.
थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। देखो वापस 31 और -25 करो, ठीक है, इन दोनों की सम कर दो, सम 6 आएगी। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें चेक करते जाना है। कैसे चेक करते जाएंगे, ऐसे चेक करते जाएंगे। देखो स्टार्टिंग में लेंगे 21 -15, इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे ये बड़ा हो जा रहा है, ये इससे भी बड़ा हो जा रहा है, तो इनके बीच का देखो कुछ तो छूट गया है, तो वो ले लेता हूं मैं 51 इंटू -45। तो देखो 5 1 5 25 0, 4 1 4 और 5 4 20, 5 9 2 2। देखो 2 2 9 5 आ गया, 2 2 9 5 चाहिए था हमें, ठीक है। नंबर कौन से लेने हैं वो समझ में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। तो दो नंबर कौन से हो गए, 51 और -45। तो इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ, देखो 5x² प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे और लिखता हूं मैं, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, 5x² माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 कॉमन निकालना आसान होगा। देखो 5 है इधर, 45 में भी 5 है, x x इधर भी है, तो मैं डायरेक्ट 5x कॉमन निकाल लू, ठीक है। इधर क्या बचेगा, x माइनस 9 प्लस इधर 51 कॉमन निकाल लू, इधर बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, तो ये सिंपल x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, यही आंसर होगा। और ये देखो 5x इज इक्वल टू ये माइनस 51 हो जाएगा उधर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर डिवाइड को, लेकिन इधर बोला है कि डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ए नॉट पॉसिबल बिकॉज माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल में बोला है कि नेचुरल नंबर से डिवाइड करना, 9 क्या है, नेचुरल नंबर, तो x इज इक्वल टू 9 क्या होगा, पॉसिबल होगा, यही आंसर होगा। लेकिन x क्या है, डिवाइजर है, सो डिवाइजर इज इक्वल टू 9। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6, तो 5 × 9 प्लस 6, तो 45 प्लस 6 कितना गया, क्वेश्चन 51 हो गया। तो नीचे लिख देंगे कि डिवाइडर 9 है और क्वेश्चन है 51। इस तरह से 9th एग्जांपल हो गया। अभी करते हैं लास्ट वाला, चलो लास्ट वाला एग्जांपल करते हैं। क्या है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है। बताया क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए एक ट्रेपेजियम है और इस डायग्राम में सारी साइड्स की लेंथ मेंशन है, लेकिन x की टर्म में, ठीक है। इतना साइड है 2x + 1, इतना है x माइनस 2, ठीक है, इस तरह से। और इस ट्रेपेजियम का एरिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब AD की लेंथ निकालो, AB निकालो, बेस निकालो, सारों की लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए, क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जो कि देखे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। तो वो वाला फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये रही हाइट। तो चलिए ये आंसर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू, ब्रैकेट में लिखा है देखो, ए बी और सी डी ये साइड पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस सी इंटू हाइट। हाइट मतलब क्या, ए एम, तो हाइट क्या हो गया, ए एम। तो चलो अभी ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स पुट कर दी। सी डी कितनी है, 2x + 1, तो 2x + 1 पुट कर दिया। ये क्या है, हाइट कितनी है, x - 4, तो x - 4 पुट कर दी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर का उधर चल जाएगा, वो हो जाएगा 66, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड को है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 33 × 2 हो गया 66 इज इक्वल टू x + 2x, 3x + 1, और ये क्या है, x - 4, तो x - 4।
तो अभी यहाँ पे भरने से पहले हमें इसको दूसरी तरफ सॉल्व करना होगा। तो देखो मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, 66 इज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा 3x+1 इंटू x-4। तो देखो क्या हो जाएगा, 66 इज इक्वल टू 3x इंटू x 3x² माइनस 3x इंटू 4 12x प्लस 1 इंटू x प्लस x माइनस प्लस 1 इंटू 4 माइनस 4। तो देखो क्या आ जाएगा, 66 इज इक्वल टू 3x² माइनस माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11x ये माइनस 4। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 66 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा फिर से, फिर 3x² माइनस 11x माइनस ये 66 माइनस और 4 भी माइनस, तो पूरा 66 और 4 70 माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमें इधर लिखना होगा, 3x² प्लस माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से वो आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको ठीक से लिखता हूं फिर मैं नीचे। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अभी प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 70 इंटू 3, माइनस 70 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो -210, और सम चाहिए -11, सम चाहिए -11। प्रोडक्ट माइनस है मतलब दोनों में से एक नंबर माइनस होगा, सिर्फ एक नंबर कोई भी माइनस होगा, और सम माइनस है तो समझ जाना कि बड़ा वाला नंबर माइनस होगा। तो अभी ऐसे दो देखना है हमें कि प्रोडक्ट आए उनका 210 और सम आए उनकी -11, तो ऐसे दो नंबर्स है कौन से। हमें दिया है 10, एक इसमें आ रहा है, आगे देखना 10 आ रहा है तो सिंपल हो गया। देखो 21 और 10, 21 इंटू 10 करो 210 आ जाएगा, और 21 और 10 इनमें फर्क कितने का है, इनमें फर्क है 11 का। तो देखो सम माइनस चाहिए तो ये ऐसा हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर माइनस। देखो अभी इनका मल्टीप्लीकेशन करो, -21 इंटू 10 करो -210 आ जाएगा, -21 प्लस 10 करो सम करो उनका तो कितना आ जाएगा आंसर -11। तो बस हो गया, इसको नीचे सॉल्व करता हूं मैं, 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x² माइनस 21x है, x कॉमन निकल जाएगा और 21 में से भी 3 कॉमन निकल सकता है, तो मैं 3x कॉमन निकाल दिया है इन्होंने इधर। ठीक है, तो बचा क्या, 3x कॉमन या फिर बचा x माइनस 7। ठीक है, 7 से 21, 3 बाहर है अंदर 7, यहां से 10 कॉमन तो ये सिंपल है x माइनस 7, तो यहां पे x माइनस 7 तो यहां पे भी x माइनस 7। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0 और ए वाला इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर -10/3 कैसे आया, ये 10 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, और बाद में x कैसे आएगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू -10/3 नहीं चलेगा क्योंकि लेंथ इज नेवर निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकते। तो ये सिंपल है, ए 7 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू इधर लिख दूंगा मैं 7, तो x की वैल्यू मिल गई, तो लेंथ निकाल लो, ए भी कितना है, ए बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, करेक्ट है। उसके बाद में सी डी, सी डी कितना है, 2x+1, 2x+1 मतलब 2 इंटू x से 7+1 15 हो गया, 7 × 14+1 15 हो गया। ए डी जितना है उतना ही बी सी है, कितना है, x माइनस 2 मतलब 7 − 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से सारी लेंथ हमें मिल चुकी है। तो इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.6 है वो 2.6 हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।